हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू इक्लिप्स क्लासेस एज वी आर स्टडिंग चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरिया। लास्ट के लेक्चर में हमने स्टडी किया था इम्पोर्टेंट डिजीज काउज्ड बाय वायरस। अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, अपने कुछ इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं। सबसे पहला डिजीज है हमारा टाइफॉइड। टाइफॉइड डिजीज जो है ये सलमोनिला टाइफी नाम का बैक्टीरिया से होता है। ये एक रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स देखें तो बैक्टीरिया रिसाइड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 degrees। इसका जो सलमोनिला टाइफी है इसका होस्ट जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें ये रहता है और ये 39 to 40 degrees का ये फीवर काउज करता है हमारे बॉडी में। और हमारे बॉडी में वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सिर दर्द होता है और भूख नहीं लगती है, ठीक है। और जब ये स्मॉल सेलमोनिला टाइफी जो है ये टाइफॉइड काउज करता है, अगर यही टाइफॉइड अगर हमको सीवियर हो जाता है तो सीवियर होने के कारण हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो जाता है, मतलब कि इंटेस्टाइन में स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं एंड डेथ में आकर, और डेथ भी हो सकता है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर थ्रू हाउस फ्लाई, ठीक है। जो पर्सन टाइफॉइड से इन्फेक्टेड है अगर उसका स्टूल पे कोई मक्खी बैठ रही है और वहीं अगर मक्खी जाके हमारे खाने को कॉन्टामिनेट कर दे रही है, अगर उसी कॉन्टामिनेटेड फूड को कोई हेल्दी पर्सन खा रहा है तो वो भी टाइफॉइड से इन्फेक्टेड हो जाएगा। या कोई पर्सन ओपन में क्या कर रहा है, टॉयलेट कर रहा है और वो टॉयलेट जो है पानी में चला जा रहा है और वही पानी से अगर कोई फीड कर रहा है, कोई पानी वहीं पी रहा है तो वही पानी से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड हो सकता है टाइफॉइड फीवर से। और इसका आईपी मतलब कि इनक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 1 to 3 weeks। इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें वाइडल टेस्ट होता है, ठीक है। वाइडल टेस्ट बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कि वाइडल टेस्ट किस डिजीज का टेस्ट करने के लिए होता है, तो वो है हमारा टाइफॉइड फीवर। सेकेंड है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये भी बैक्टीरिया जो है ये रॉड से का ही होता है। इट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स वेयर इज स्मॉल ट्यूबरकल्स आर फॉर्म्ड। ये क्या करता है, मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और क्या बनाता है, स्मॉल ट्यूबरकल्स मतलब कि स्मॉल नोड्यूल्स बनाता है। और ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे सिर्फ लंग्स को ही अफेक्ट करे, ये ओके बट में अटैक एनी पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग द ब्रेन। ये हमारे बॉडी के किसी पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, स्टमक को, बैक को, जहां तक कि हमारे ब्रेन को भी। द बैक्टीरिया डैमेज टिश्यू एंड रिलीज टॉक्सिन नेम ट्यूबरकुलिन विच प्रोड्यूसेस डिजीज, ठीक है। ये क्या करता है बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलिन। आई बात समझ में, और ये ट्यूबरकुलिन क्या करता है, ये डिजीज काउज करता है हमारे बॉडी में। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है बाय पेशेंट सप्टम। जब पेशेंट का कफ बाहर आता है उस कफ में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, अगर उस कफ के कोई कॉन्टेक्ट में आ जा रहा है तो वही पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है इस बैक्टीरिया से, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका सिम्टम्स होता है ट्यूबरक्लोसिस का कफ, ब्लडी सिम्टम और चेस्ट पेन, खून आता है मुंह से जब भी कोई बात करता है, अगर कफ आ रहा है तो कफ में ब्लड प्रेजेंट होता है और चेस्ट पेन होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 12 weeks। और ये जरूरी नहीं है कि किसी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 12 weeks ही होगा, इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरिएबल होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हमारा सप्टम कल्चर, जो कफ होता है उसका कल्चर करके चेक किया जाता है और इसमें एक्सरे भी किया जाता है डायग्नोसिस के लिए। और प्रिवेंशन के लिए BCG वैक्सीन गिव्स कंसीडरेबल प्रोटेक्शन, BCG का वैक्सीन दिया जाता है।
फिर थर्ड है हमारा वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को हम प्रोटोसिस भी बोलते हैं और इसको हिंदी में काली खांसी बोला जाता है और देहाती भाषा में इसको कुकुर खांसी भी बोला जाता है। वूपिंग कफ इज अ प्राइमरली डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों का हमारा डिजीज होता है। इट इज नॉट यूजली सीरियस इन ओल्डर चिल्ड्रन बट ऑफ्टन इज फेटल इन इन्फेंट्स। ये जो बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बच्चों में ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन ये जो इन्फेंट्स छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये डेडली होता है, फेटल होता है, बच्चों को वो किल करता है। इसका काउजेटिव एजेंट देखें तो ये बोरोडोटीला प्रोटोसिस नाम के बैक्टीरिया से ये हमारा डिजीज काउज होता है, वूपिंग कफ। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बाई थ्रोट डिस्चार्ज एंड कॉन्टेक्ट। इन्फेक्टेड चाइल्ड के जो थ्रोट डिस्चार्ज होता है या फिर कोई बच्चा इसके कॉन्टेक्ट में रहता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है वूपिंग कफ से। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होता है कि फीवर आता है और सीवियर कॉफिंग, काफी ज्यादा एकदम बच्चे खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, खांसते खांसते इसमें उल्टी भी कर देते हैं, वोमिटिंग, ठीक है। और इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 16 days। ओके, प्रिवेंशन के लिए इसमें डीपीटी वैक्सीन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू इन्फेंट्स 3 times एट मंथली इंटरवल। इसमें डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है 3 times, क्या किया जाता है, मंथली इंटरवल पे दिया जाता है। फिर हमारा फोर्थ कलरा। कलरा क्या है, एक्यूट डायरियल डिजीज है। ये सीवियर डायरियल डिजीज होता है, डायरिया मतलब कि वोमिटिंग एंड लूज मोशन। फिर इसका काउजेटिव एजेंट देखें तो इट इज काउज्ड बाय विब्रियो कोमा। विब्रियो कोमा नाम के बैक्टीरिया से ये हमारा डिजीज कोलरा जो है होता है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बाय कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड फ्रॉम फिशेज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन का जो फिशेज होता है, अगर इससे कोई फूड हमारा कॉन्टामिनेट हो जा रहा है या वाटर कॉन्टामिनेट हो जा रहा है और उसको कोई इंटेक कर रहा है तो वो पर्सन विल बी इन्फेक्टेड फ्रॉम कलरा। इसका सिम्टम्स होता है सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 to 3 days। ट्रीटमेंट की बात करें तो कलरा वैक्सीन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फॉर फ्यू मंथ। कलरा वैक्सीन दिया जाता है, कलरा वैक्सीन कुछ मंथ के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कलरा के अगेंस्ट। और ट्रीटमेंट इन्वॉल्व डोज ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन दैट रिट्रेनिस द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया जाता है जिससे कि वाटर लॉस जो होता है बॉडी में वो मेंटेन कर पाए। फिर फिफ्थ डिजीज है हमारा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया डिजीज जो है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया से होता है। न्यूमोनिया जो है ये हमारा लंग का एक डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, लिम्फ और म्यूकस कलेक्ट इन द एल्वियोलाई एंड ब्रोंकियोल्स। जो एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें लिम्फ और म्यूकस भर जाता है, विद द रिजल्ट लंग्स डू नॉट गेट सफिशियंट एयर टू सपोर्ट लाइफ। जिससे कि हमारे लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं आ पाता है। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जब पेशेंट खांसता है तो साथ में कफ बाहर आता है। अगर उस कफ के कॉन्टेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है तो डेड पर्सन विल बी इन्फेक्टेड फ्रॉम द निमोनिया। इसमें सिम्टम्स होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 days। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इसका एक्सरे और सीबीसी। एक्सरे जांच किया जाता है और कंप्लीट ब्लड काउंट चेक किया जाता है कि उसमें निमोनिया उस पर्सन को है कि नहीं। फिर हमारा सिक्स्थ डिजीज डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिजीज जो है हमारा कोरिनियोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। इट कॉमनली अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज थ्रोट एंड टॉन्सिल्स। नोज थ्रोट और टॉन्सिल्स के म्यूकस मेम्ब्रेन को ये इन्फेक्ट करता है। अ सेमी सॉलिड मटेरियल ओजस फॉर्म द अफेक्टेड रीजन एंड टफ मेम्ब्रेन कवर इट। ओजस फॉर्म हो जाता है और उसको एक टफ मेम्ब्रेन क्या करता है, कवर करता है। इट में ब्लॉक द एयर पासेज, और जिससे कि एयर को पासेज भी नहीं हो पाता है। अक्यूट केस में नीड थ्रोट सर्जरी, अगर यही बीमारी जो है सीरियस हो जाता है तो उसको सर्जरी करके बाहर किया जाता है। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखें तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है बाई ओरल एंड नेसल डिस्चार्ज। इन्फेक्टेड पर्सन के जो ओरल और नेसल डिस्चार्ज होता है उसमें ये बैक्टीरियम प्रेजेंट होता है और उसके कॉन्टेक्ट में कोई पर्सन आ जाए तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। इसमें सिम्टम्स होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो
इन्फेक्टेड हो जाता है और फीवर, सोर थ्रोट और सांस लेने में दिक्कत आती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 5 days। और डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें सिल्क टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि कहीं दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम डिप्थेरिया और नॉट। और इसमें प्रिवेंशन के लिए DPT वैक्सीन दिया जाता है विद इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ बर्थ। जन्म के 6 मंथ के होने के पहले ही DPT वैक्सीन दिया जाता है। हमने देखा DPT वैक्सीन एक और डिजीज के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, वो है हमारा वूपिंग कफ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।